अल्लाह, क्या हाल है जी? बस सब लोग ठीक हो? गर्मी कैसा आ रहा है यार? गर्मी बड़े मज़े को हो रहा है। मैं थोड़ा वीडियो बना रहा था अपने चैनल के लिए। अच्छा, हाँ मेरा चैनल है। बैठना इधर आ जा। गन पड़ा है। दुकान है तो क्या हुआ, गन साइड पे कर दे। हमारे साथ भी तो गन लगा हुआ है, उधर नहीं रखे तो रख, ताकि हम लोगों से रेंज से दूर नहीं रहे। बैठा गया वहीं ठोक दे, फिर फायदा क्या? ये हमारे भाई हैं सिंध हैं, आप ये सिंध के भाई हैं, यहाँ पे गली में ड्यूटी करते हैं। तो आज काफ़ी दिनों से यहाँ आना जाना रहता है बाजी के यहाँ। तो इनके यहाँ बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो गली में, ये सारे रिश्तेदार ही खड़े हैं। अच्छा, आप ये बताएं, आपको क्या तनख्वाह क्या देते हैं? हमारे को यहाँ 18,000 तनख्वाह देते हैं 12 घंटे का। 12 घंटे के लिए, 12 घंटे का 18,000 तनख्वाह, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 30,000-35,000 तनख्वाह का मुकर्रर किया हुआ है, नोटिफिकेशन भी पास किया हुआ है। तो इन गरीबों को 18,000 रुपये जो तनख्वाह दे रहे हैं, ये बहुत ही कम है। और इस महंगाई में तो मैं यहाँ पे बैठा था तो भाई आ गया, मैंने बोला चलो पूछ लेते हैं। तो इन लोगों के लिए कौन आवाज़ उठाएगा? कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, क्योंकि जितने भी अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। और हमारे जो हुक्मरान हैं वो दूसरे मुल्कों से अमदादें लेते हैं, कर्ज़े लेते हैं, और इन जैसे गरीब, मेरे जैसे गरीब जो है वो कर्ज़ा वापस उतारते हैं। यही बात है भाई, तो ये भाई को पता है, इसको भी शऊर है माशाल्लाह। अच्छा एक बात बताऊँ, वोट आप किसको देते हो? वोट इमरान खान। माशाल्लाह इमरान खान। तो आप इमरान खान को किस वजह से वोट देते हैं, कुछ मुझे बताएंगे आप? वो सर अच्छा इंसान है, दूसरों की तरह चोर लुटेरा नहीं है। अच्छा, ये आपको किसने बताया कि वो अच्छा इंसान है, चोर नहीं है? ये भी कुछ आप रीज़न बताएंगे? ये सर वो दूसरे हैं जो कर्ज़ा ले ले जो बाहर मुल्क से वो खुद खा रहे होते हैं। हमारे इमरान खान ने बाहर से कर्ज़ा लिए, अपने पाकिस्तान में लगाए, फिर लौटा दिए। आपको 12,000 उसके दौर में मिला था क्या, जो वो दे रहा था? मुझे नहीं मिला था, वालदा को मिला था। वालदा को मिला था, यानी कि घर के किसी अफराद ने दिया है जी। तो इन भाई का ये कहने का है, मकसद या मतलब है कि जो दूसरे हैं इमरान खान से, जो हट के जो हुक्मरान हैं, वो पाकिस्तान को लूटते हैं और बाहर मुल्कों में प्रॉपर्टियां बनाते हैं, इस मुल्क से पैसा निकाल के। और जो बाहर जो गरीब लोग बाहर मुल्कों में पैसा कमा कर इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी कोई कदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आज का ये सिंधी भाई इसमें शऊर है, तो मैं समझता हूँ आने वाले वक्तों में ये काफ़ी जो है सिंध के अंदर भी असरात मरक्कत होंगे। और इसका जो माशाल्लाह काफ़ी हद तक, जैसे पंजाब है, KPK है, कश्मीर है, और बलूचिस्तान है, और सिंध भी है, इन सब में अगर ये शऊर पैदा हो गया तो जितने भी ये जो माफिया ग्रुप है, इनको जो भागने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगा। क्यों? ये भाई भी जो है ना अभी से ही बोर है। इसकी आपकी उम्र कितनी है भाई? मेरा साल 20 साल। 20 साल की उम्र में अगर बंदे को शऊर आ जाए तो 5 साल 25 साल में तो वो शऊर इंशाल्लाह पक्का होके तो अगले का दिमाग फाड़ के रखे। तो इसलिए बना रहा था अपना व्लॉग, तो सोचा भाई से कुछ पूछ लूँ। तो पूछने से ये एक सबक भी मिलता है, और एक हमारे आने वाले वक्तों में जो नई जनरेशन आ रही है वो हमसे ज़्यादा शऊर में है, और वो किसी नायल चोर जिसको बोलते हैं अठा के वज़ीर-ए-आज़म बने हुए या अठा के किसी सदारत में बैठे हुए हैं, उनको कोई भी कबूल नहीं करेगा। तो आने वाले वक्तों में ये सब जितने भी गवर्नमेंट के आला काम हैं, अफसरान हैं, अफसर बाला हैं, उनको चाहिए कि अपने किबले दुरुस्त कर लें। कल आवाम उठ के उनके किबले क्या, उनके हड्डियाँ पसलियाँ जो है कर दें, यही हो सकता है। यही हो सकता है बिल्कुल। तो 20,000 इस बंदे की सैलरी है यार, और इस वक्त जनरल असम्बलियों में बैठे हुए 20-20 लाख 35-35 लाख तनख्वाह उठाने वाला इस पाकिस्तानी बंदे की अगर अप्रोच करे, अगर इसकी बातों पे जाए कि मुझे 20,000 में आपकी शादी हुई है,
शादी भी इसकी अभी नहीं हुई। आपका घर बना हुआ है? किराए के घर में ये रहते हैं, ठीक है। तो ये 20,000 के अखराजात में कितना किराया देते हैं? 15,000 किराया। 15,000 किराया, 5,000 में महीने का खर्चा कैसे पूरा करते हैं? नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये चीज़ सोचने की है, हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि मुल्क के अंदर महंगाई ख़त्म करो। ये महंगाई ख़त्म होगी, सब कुछ ख़त्म होगा। भाई जान क्या हाल है? ये दो भाई हमारे और आ गए, तो इनसे भी पूछते हैं। भाई आपका क्या नाम है? दिलबर। आपका क्या नाम है? आशिक अली। आशिक अली, आशिक अली भाई को भी हम बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आशिक भाई भी आ गए। आशिक भाई थोड़ा सा इधर, वहाँ थोड़ा। आशिक भाई ये बताएं आप क्या करते? मैं गाड़ियाँ साफ करता हूँ। गाड़ियाँ साफ करते हो। महीने का क्या इनकम है आपका? महीने का 15,000। ये देख लें जी, ये भाई गाड़ियाँ साफ करते हैं और इनकी 15,000 आमदन है, तो ये क्या बजट टैक्स देगा बंदा? और सिंध के अंदर बैठ के, कराची के अंदर ये बंदा 15,000 रुपये में, ये भाई तो 15,000 किराया अदा करते हैं एक घर का, तो ये 15,000 में क्या करेंगे? तो ये चीज़ें हमारे हुक्मरानों को समझनी चाहिए, होश के नाखन लेने चाहिए, क्योंकि और कुछ नहीं हो सकता। इस मुल्क में इनकलाब आ सकता है। इनकलाब कैसे आएगा? या खून दे के आना पड़ता है, या खून दे के आना पड़ता है। ये 15,000 ले रहे हैं। आप भाई आपको क्या नाम? मैं गार्ड की नौकरी। हाँ, गार्ड की क्या तनख्वाह है अभी? 14,000 तनख्वाह है इनकी। गार्ड की नौकरी करते हैं, उसमें कैसे अखराजात पूरे करते हैं भाई आप? अल्लाह के आसरे में। अल्लाह के आसरे में है हुक्मरान जो है, IMF के आसरे में, यही बात है ना? बिल्कुल। और तो वो तो कर्जे ले रहे हैं अभी। वो आपको पता है सिंध गवर्नमेंट ने 70 करोड़ रुपए की जो सरकार की जो गाड़ियाँ हैं, परचोनर हो जाए, सिविक हो जाए, 4x4 हो जाए, उनका जो है उनको आर्डर दिया, उनका बजट पास किया है। तो हम जैसे गरीब लोगों के ऊपर तो मज़ीद टैक्स आ गए, तो ये हम लोग क्या नहीं सोचते? हम लोग चूतियाँ हैं हाँ। तो इसलिए इस मुल्क के हालात हमारे हुक्मरानों ने ख़राब किए, जिस वजह से ये बच्चे, इनकी पढ़ने की उम्र है, ये आप देख सकते हैं अभी इनके चेहरे पे दाढ़ियाँ नहीं हैं। ये सिंध के वो जवान हैं जिनके बाबा दादा परदादा जो है जिए भुट्टो के तारे मारते थे, यही बात है। तो आज ये बच्चे पढ़ने की जगह शऊर इनमें आ तो गया है, मगर पढ़ाई नहीं है। अगर पढ़ाई होती कोई पुलिस में होता, कोई अच्छे सरकारी महकमे में होता, कोई अपने घर के पास ही किसी नौकरी में होता। यहाँ कराची की गलियों में दर बदर की नौकरियाँ नहीं ढूंढते और ना ही करते। तो आज की मेरी वीडियो इन भाइयों के लिए पैगाम है आप सबको कि ये देख लें हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। गुर्बत की वजह से, गुर्बत की लकीर से ये नीचे हैं। 14-15,000 कहाँ है भाई? महीने में क्या बचत है? तो इसलिए ये सोचना चाहिए सबको कि इनकी तनख्वाहों में इजाफा हो, आगे 25-30,000-35,000 ये दें, आगे इनका गुजारा हो जाए, इनके घर में भी सुकून और परेशानियाँ, जो सुकून है सुकून आए और परेशानियाँ ख़त्म हो, टेंशनें ख़त्म हो। अगर एक बंदे के घर में बीमारी आ जाए तो 15,000 में भाई आप पूरा कर सकते हैं? अल्लाह पाक चला रहा है। इनका मेन आसरा ये है कि अल्लाह पाक हमें चला रहे हैं और हमारे को किसी के ऊपर उम्मीद नहीं है, ना हुक्मरान के ऊपर, ना किसी उसके सियासतदान के ऊपर, किसी के ऊपर उम्मीद नहीं है। तो जो आता है अपने लिए आता है, बना के चला जाता है। हाँ, ये देखें ना, ये भाई कहते हैं जो आता है बना के चला जाता है, यानी कि दुबई में बना लेते हैं, फ्लैट बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ किसी भी जगह पे बड़ी बड़ी ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लेते हैं। सरकार में हो के कागज़ों का क्या है, वो तो एक हाथ की गेम है। तो सोचना चाहिए अवाम के लिए, जिस अवाम ने आपको तख्त पे तो नहीं चढ़ाया, मगर इस अवाम के लिए ज़रूर सोचें, नहीं तो कल क़यामत वाले दिन इनके हाथ होंगे, आपके गलबान होंगे और खुदा का मेशर होगा और वहाँ पर निज़ाम अल्लाह का होगा। तो वहाँ मार खाने से बेहतर है इस अवाम का हक दें, इनका हकूक दें। अल्लाह पाक हकूक से जो है ना राज़ी होता है। अगर आप हक पे डाका डालेंगे तो अल्लाह पाक आपसे नाराज़ होगा। वो पैसा जो आप इन लोगों का ना हक खा कर बैर ले जाते हैं, लूटते हैं, करप्शन करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, इन चीज़ों से आप सब लोग बचें।
हमारे मुल्क को मजबूत बनाएं, करप्शन से पाक करें, सूद से पाक करें। तो ये इस्लामी मुल्क जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना हुआ है, इसके ऊपर सबको भेद करनी चाहिए। और गुमराह जो हमारे हैं कुछ अनासर लोग, उनको सीधे रास्ते पे लाना चाहिए। तो भाई आप किसको वोट देते हो?